हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि UTL गामा प्लस और लुमिनस एनर्जी प्रो 12 वोल्ट में से कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए। दोनों का बहुत डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, तो फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं लुमिनस एनर्जी प्रो 12 वोल्ट और UTL गामा प्लस 12 वोल्ट का, बहुत ही डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि दोनों ही हम 12 वोल्ट वाले और 24 वोल्ट दोनों में अवेलेबल है। लुमिनस एनर्जी प्रो भी और UTL गामा प्लस भी 12 वोल्ट तथा 24 वोल्ट दोनों में अवेलेबल है और दोनों ही 1 KVA के इन्वर्टर है। मतलब इनकी कैपेसिटी है, जो VA रेटिंग है वो है 1000 VA के इन्वर्टर। तो लगभग फ्रेंड दोनों ही इन्वर्टर पर आप लगभग 700 से 800 वाट तक का मैक्सिमम लोड चला सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड, दोनों ही जो इन्वर्टर है दोनों पे ही आप 1000 वाट तक के सोलर पैनल बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों ही इन्वर्टर की 24 मंथ की वारंटी आती है। देखिए फ्रेंड, दोनों ही MPPT बेस सोलर इन्वर्टर है और दोनों में से आप कोई भी पिकअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए अब इनके मोड समझ लेते हैं फ्रेंड। सबसे मेन चीज़ यही है मोड। देखिए हमारा जो लुमिनस एनर्जी प्रो एस में भी 3 मोड है और UTL गामा प्लस 12 वोल्ट में भी 3 मोड है। अब इन तीनों के मोड हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। सोलर मोड में जो हमारा लुमिनस एनर्जी प्रो एस में सोलर मोड है, उसमें केवल आपकी बैटरी सोलर से चार्ज होगी और फ्रेंड जो सोलर प्लस ग्रिड है इसमें 15 एम्पियर से चार्ज होगा आपका बैटरी, और जो ग्रिड प्लस सोलर मोड है इसमें 20 एम्पियर से चार्ज होगा। और जो फ्रेंड हमारा UTL गामा प्लस है, यहाँ पे 3 मोड है। हाइब्रिड मोड में केवल आपकी बैटरी सोलर से चार्ज होगी और पूरा लोड आपका ग्रिड से चलेगा। जो फ्रेंड PCU मोड है इसमें सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा, फिर जो भी आपने वोल्टेज डिसाइड कर रखा है उस वोल्टेज पर आने के बाद आपका जो ग्रिड है उससे लोड चलेगा। और फ्रेंड जो स्मार्ट मोड है इसमें जब तक सूरज रहेगा तब तक सोलर से लोड चलेगा और सोलर जाने के बाद आपका पूरा का पूरा लोड ग्रिड से चलेगा। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए आगे और देखते हैं। हाँ, अगर आपको लुमिनस एनर्जी प्रो में ग्रिड चार्जिंग डिसेबल करना है तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सोलर मोड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे UTL गामा प्लस में इसके लिए एक डेडिकेटेड बटन है, एक स्विच है, जो सबसे लास्ट वाला स्विच है इसको हम 3 बार प्रेस करेंगे तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो जाएगी। जब भी इसकी लाइट चलेगी तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड UTL गामा प्लस में ग्रिड चार्जिंग डिसेबल है, अवेलेबल है इसके लिए अलग से स्विच। और देखिए नेक्स्ट है नो लोड शटडाउन। जब कोई भी लोड नहीं होगा हमारे इन्वर्टर पर तो हमारा UTL गामा प्लस कंटिन्यू रन होता रहता है। बट फ्रेंड लुमिनस एनर्जी प्रो 12 वोल्ट में जब भी कोई भी लोड नहीं होगा तो हमारा इन्वर्टर शटडाउन हो जाएगा। देखिए इसके बाद बैटरी सपोर्ट की बात करते हैं। जो हमारा लुमिनस एनर्जी प्रो 12 वोल्ट है इसमें ट्यूबलर फ्लैट प्लेट और VRLA बैटरी सपोर्ट करती है, जबकि हमारा UTL गामा प्लस में ट्यूबलर और लिथियम बैटरी सपोर्ट करती है। लिथियम दोनों बैटरी सपोर्टेड है क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे हम जो चार्जिंग करंट और वोल्टेज है उसको वेरी कर सकते हैं। देखिए वेरिएबल रेंज, लुमिनस एनर्जी प्रो में हम कोई भी मैनुअल सेटिंग नहीं कर सकते हैं, बट UTL गामा प्लस में फ्रेंड हम जो चार्जिंग वोल्टेज और करंट है उसको हमारे अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। जो भी हम लिथियम बैटरी, लिथियम आयन और जो भी बैटरीज है आपके पास उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इसको। अब VOC की बात कर लेते हैं फ्रेंड। जो हमारा लुमिनस एनर्जी प्रो है इसकी VOC है 55 वोल्ट और जो UTL गामा प्लस 2022 इसकी VOC है 49.5 वोल्ट। तो फ्रेंड लुमिनस एनर्जी प्रो में आपको बहुत ही हाई VOC मिल जाती है 55 वोल्ट, बट दोनों मैक्सिमम पैनल जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल है, शार्क पैनल, बाईफिशियल पैनल, दोनों ही प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए दोनों ही इन्वर्टर अपनी अपनी जगह ठीक है, ये दोनों ही बढ़िया है, कोई भी कमी नहीं है इनमें। यदि आपको एक लुमिनस ब्रांड के, अगर बहुत ज़्यादा आप फैन हो लुमिनस ब्रांड के साथ जाना है तो फ्रेंड आप थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको ये, बट ये आप ले सकते हो। और फ्रेंड यदि आपको एक अच्छा इन्वर्टर चाहिए ब्रांड
कि कोई मतलब ब्रांड के साथ आप मतलब आपको केवल अच्छा इन्वर्टर चाहिए, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। और फ्रेंड थोड़ा आपके पास यदि बजट का इशू है और एक अच्छा इन्वर्टर लेना है तो फ्रेंड वहाँ पे UTL गामा प्लस एक अच्छा इन्वर्टर है, तो दोनों में से कोई भी आप खरीद सकते हो। ये आपकी प्रीफ्रेंस पर डिपेंड करता है कि आपको ब्रांड के साथ जाना है या आपका बजट कम है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।